वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं 7300 प्लस बुक्स जो राकेश यादव सर की है, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 1997 से लेकर के 2017 तक के क्वेश्चन हैं। तो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ये है नंबर सिस्टम का पार्ट टू। इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20, यानी 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। डेली आपको मॉर्निंग में दो वीडियो मिलेगी, एक अर्थमेटिक की और एक एडवांस मैथ की। अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज चल रहा है, जिसमें आपको एक वीडियो मिल चुकी है। एडवांस मैथ में आपको नंबर सिस्टम का ये है सेकेंड वीडियो। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी के, सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए ही हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज है। क्वेश्चन कर रहा है, एन 85 मीटर लॉन्ग रॉड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट्स, देन लॉन्गर पार्ट इन मीटर। क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है, एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग ज्ञात करो। देखिए, ये क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझ सकते हैं, अदरवाइज डायग्राम बनाने की एग्जाम में नीड नहीं है। डायग्राम में क्या करें कि कोई एक रोड है, ये रोड कितना है 85 मीटर क्या है लॉन्ग, तो इतना जरूरत नहीं है ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की। ये क्वेश्चन ओरली देख के लग रहा है कि आप आसानी से बना सकते थे कि क्या होगा। जैसे देखो, क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट वन पार्ट 2/3 द अदर, यानी फर्स्ट पार्ट क्या है 2/3 ऑफ किसका सेकेंड पार्ट, यही क्वेश्चन कह रहा है ना, ऑफ द अदर। देखो, फर्स्ट पार्ट इसको इधर लेके आओ, ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके आओ, सेकेंड पार्ट इक्वल टू क्या हो गया 2/3। यानी कि अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं तो एक हिस्सा 2 हो गया और दूसरा हिस्सा क्या हो गया 3। अब लेंथ का आपको मिल गया, आप खुद सोचो टोटल कितना है, ये टोटल कितना है दोनों मिला के 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल लेंथ कितना है 85, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 17 मीटर, क्योंकि 85 मीटर था, एक यूनिट की वैल्यू 17 मीटर। आपसे पूछा क्या गया है लॉन्गर पार्ट कौन सा वाला है, 3 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट की वैल्यू 17 × 3 डेट मीन्स क्या 51 मीटर। तो आपको कुछ नहीं करना था। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया होता, फर्स्ट पार्ट क्या है 2/3 ऑफ सेकेंड पार्ट, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट है, फर्स्ट बाई सेकेंड क्या हो गया 2/3, 5 दोनों के हिस्सा मिला करके 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 85, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी 17। हमसे पूछा क्या जा रहा है लॉन्गर कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 17 × 3 51। ये एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने क्या किया, यूज किया ओनली फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कि फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9। अब जैसे देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। जैसे मान लो कि मेरे पास दिया, मान लो मैंने आपको दो नंबर दे दिया कि एक नंबर दोनों क्या है, नंबर क्या है 1 और 9 के बीच है, ठीक है। अब चार ऑप्शन दे दिया A, B, C, D, मैंने बोला कि कोई जो नंबर है वो क्या है बिटवीन 1 और 9, यानी 1 और 9 के बीच में है, तो मैंने बोला कि वो नंबर क्या क्या हो सकता है। मैंने ऑप्शन दे दिया 4, 5, ठीक है, 6, 11। तो आप खुद सोचो 4 भी क्या है, इसके बीच में आएगा 4, तो ये हाँ बिटवीन है इसके नंबर। 5 भी क्या आएगा, इसके बीच में आएगा। 6 भी इसके बीच में आएगा, लेकिन 11 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ कहीं होगा 11, तो 11 नहीं हो सकता। यानी कि कह रहा है कि जो नंबर यहाँ बिटवीन बिलोंग करेगा वो इनके बीच में आएगा, कि ऐसा नंबर जो इनके बीच में हो, तो डैट मीन्स कौन कौन से हैं ये, तो वही चीज कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2/5 और 4/9 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो इनकी वैल्यू पता कर लें। 2/5 यानी क्या हो गया 0.4, अगर मैं भाग दूँ तो क्या हो जाएगा 0.4, इसको भाग दें तो 0, ये हो गया 40, 0 पॉइंट लगा दिया तो 40, 9 × 4 = 36, फिर 40 यानी 0.44। अब बात आती है, देखो अब हमें ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, ये देखो 3/7 है ना, पहला ऑप्शन क्या है 3/7, आप 3/7 देख लो क्या है, भाग दूं 0.7 × 28, 2 बचा 7 × 14,
क्यों हम कर रहे हैं, दो पॉइंट पे ले रहे हैं, ये 0.40 लिख सकता हूं ना इसको, क्योंकि आगे तो जीरो ही जीरो हो जाता। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं आप समझ जाओगे, 2/3 ये तो 90% लोगों को याद होना चाहिए कि 0.66 होता है, 4/5 क्या होता है 0.80, क्योंकि 5/8 40 होता है, 1/2 तो आपको पता ही होना चाहिए 0.5 होता है, 0.50 बढ़ा लो आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खुद सोचो, देखो ध्यान से, मिनिमम रेंज कितना है 0.40 और मैक्सिमम कितना है 0.44। ये देखो ये क्या है 0.6, ये बड़ा है ना बाहर चला जाएगा, ये भी 0.80 बड़ा है, 0.4 है, 0.5 है, ये भी बड़ा है। डैट मीन्स एक नंबर क्या है, देखो ये 0.40 से बड़ा है और इससे क्या है छोटा है, यानी ये इसके बीच लाई करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया 3/7। अगर आपको ये समझ में आ गया था कॉन्सेप्ट तो बस ये आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कभी पूछा नहीं जाता, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं और समटाइम्स SSC CHSL में कभी कभी दिए जाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन दे रहा हो कि 2/3/4 ऑफ ए नंबर, 2/3/4 यानी 2/3 × 3/4 ऑफ ए नंबर, नंबर के बारे में कुछ नहीं पता है तो मान लेता हूँ n, 3 से 3 कैंसिल हो गया 2 से, यानी क्या हो गया 1/2 × n, इसको बोल सकता था 1/2 ऑफ द नंबर, बस तो 1/2 ऑफ द नंबर। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसको ओरली कर सकते थे, यहाँ पे बस इतना नहीं करने की जरूरत थी, यहाँ पे 3/4 लिखते कैंसिल, 1/2 ऑफ ए नंबर कौन सा ऑप्शन, ओरली बना सकते थे ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 करें, इफ 3 times ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 3/5/60 देन व्हाट इज द नंबर। अब देखो एक तो तरीका क्या है आपको, एक तो तरीका क्या है बेसिक, 3/3 times ऑफ ए नंबर, हमने नंबर को मान लिया क्या x, तो क्या हो गया 3 times ऑफ ए नंबर यानी कि 3x। एक्स जब भी आपको मैंने बताया था कल कि मोर वर्ड आए लेस वर्ड आए, दो क्वांटिटी टू क्वांटिटी में कंपेयर किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो इसका मतलब क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, क्वेश्चन में दिया हो मोर देन इतना तो ये डिफरेंस दिया होगा क्वेश्चन में, एग्जाम में दिया ही होगा। अगर मैंने बोला कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, डेट मीन्स आपके और मेरे एज का डिफरेंस कितना है 5 साल, ठीक है। तो जैसे देखो 3 times ऑफ ए नंबर एंड इट्स 3/5 किसका, नंबर का ही होगा, इट्स का मतलब क्या हो गया इसी संख्या का 3/5, देखो हिंदी वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, कितना अधिक है 60 अधिक है, यानी एक्सीड ज्यादा है 60, मैंने बताया था ना मोर और लेस है तो दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 60। और ये मैं कल भी कॉन्सेप्ट ये बताया था कि मोर कहे या लेस वर्ड कहे इसका मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे मैंने बोला मैं आपसे 5 साल छोटा हूं, डेट मीन्स आपके और मेरे बीच का डिफरेंस कितना है 5 साल, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस। मैं आपसे बोलूं आपसे दूसरा पर्सन 8 साल छोटा है, डेट मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 8 साल। बस अब ऐसे सोल्व करना था, ये क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 15x − 3x = 60, इस 5 को इधर कर दोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना रहा 12x = 60 × 5, 12 × 5 = 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। और आपसे पूछा क्या गया था व्हाट इज द नंबर, तो नंबर कितना है, नंबर हमने माना था x 25। लेकिन आप x ना मान करके नॉर्मल वे से भी कर सकते थे, कैसे, कोई नंबर 3 है 3/5, अब लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये यूनिट के टर्म में कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कोई भी चीज फ्रैक्शन में, कोई भी नंबर वो फ्रैक्शन में 1 पे चलती है और परसेंटेज में कितना पे चलता है 100% पे। तो अब देखो दोनों के बीच का ही डिफरेंस दिया हुआ है कितना 60, तो आप बताओ कितना हो गया 15 − 3 = 12, 12/5 का वैल्यू कितनी है 60, तो इधर जाएगा एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, डैट मीन्स कितना हो गया 25। और एक मैंने बताया था ना फ्रैक्शन में एक ही क्या होता है वो नंबर हो जाता है, डैट मीन्स 25। तो आप इतना ना कर करके आप डायरेक्टली सोच सकते थे,
तो क्या हो जाएगा 25। आप ओरली भी सोच सकते थे, क्या सिर्फ इतना देखते, 3 - 3/5 कितना होगा 12/5। अब आपको पता है कि 60 दिया हुआ है डिफरेंस, तो क्या 5 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। और फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी पॉइंट नंबर 1 लेते हैं और यही परसेंटेज में लेते हैं, तो क्या लेते हैं 100%। तो बस आप आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से करेंगे। मेथड 1 बेसिक अप्रोच होगा, मेथड 2 आपको थोड़ा सा उसमें से ही लॉजिकल अप्रोच सॉर्ट कर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है, ए मैन स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ हिज हाउस रेंट, किसका इनकम का ही खर्चता है, एंड द रिमेनिंग इनकम ईच विच इज कितना है 630 रुपए ऑन द अदर कमोडिटी, फाइंड हिज हाउस रेंट। क्वेश्चन देखिए हिंदी में क्या कर रहा है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर, तथा शेष आय जो 630 रुपए है वो अन्य जगह पे खर्चा करता है, तो उसके मकान का किराया कितना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप खुद सोचो, देखो पहला मैंने अभी बताया था ना कि कोई भी चीज फ्रैक्शन में क्या चलती है 1 पे, तो हमारा इनकम कितना है, इनकम कितना है टोटल, इनकम क्या है 1 है। कहाँ कहाँ पे कितना खर्च कर रहा है, एक जगह पे 1/4 खर्च कर रहा है, दूसरे जगह पे क्या 2/3 खर्च कर रहा है, टोटल खर्च कितना किया, 4 * 3 = 12, देखो एलसीएम ले लिया 12, ये कितना हो गया 3 + 8 यानी 11/12। यानी आपको इससे क्या पता चल रहा है, ये खर्चा है ना, यानी कि उसका 12 रुपया कमाई था तो 11 रुपया उसका क्या था खर्चा, तो उस समझ में आ गया, यानी टोटल उसके पास, इसका मतलब क्या, चलो अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो इस तरह से उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना लेफ्ट, अब बचा कितना खुद सोचो, हमने क्या माना 1 इनकम था टोटल, उसमें से 11/12 खर्चा हो गया, यानी कितना रह गया आपको 1/12। लेकिन ये प्रोसेस हमें नहीं करना है, हम यहाँ ये प्रोसेस इलिमिनेट कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पे 1/12 आया ना, यानी 12 रुपया था उसमें से 11 खर्चा कर दिया, तो कितना बचा लिया 1/12, इसमें से खर्चा कर दिया घटा लो बस 1/12 हो गया, ये करने की जरूरत नहीं थी हमें। अब सोचो 1/12 तो उसने बचाया, लेकिन जो रिमेनिंग बचा है, जो रिमेनिंग इनकम है, ये बचा हुआ इनकम है वो कितना है 630 रुपया, जिसको अदर जगह पे खर्चा करना है उसको, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 630 * 12, यहां तक हो गई। आपसे पूछा जो जा रहा है वो ध्यान से देखिए, पूछा जा रहा है कि उसके मकान का खर्चा, मकान कितना भाग है 2/3 है ना, 1 की वैल्यू इतनी है तो मकान ये था, तो 2/3 की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 2/3 × 630 × 12, तो देखो 3 * 4 = 12, 4 * 2 = 8, 8 × 630। अब देखो लास्ट में 0 है तो 0 आएगा, लेकिन अब पूरा कैलकुलेशन मत करो, 8 * 3 कितना हो गया 4, यूनिट डिजिट लास्ट का 2 डिजिट देख लो, 4 0 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 4 0 किस में, इसमें, बस आपको मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं, यही चीज एलिमिनेशन सीखना है, कि जैसे देखो आ गया आपसे 8 × 630, तो 0 तो लास्ट में होगा ही होगा, अब 8 * 3 कितना होगा 4, लास्ट 2 डिजिट देखो 4 0 किसका है, सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो आपने आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये तो रहा एक वे, दूसरा वे क्या है, एक और मेथड है बनाने का, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड जैसे मैंने आपको कल बताया था, देखो पहला खर्चा है 1/4, दूसरा खर्चा है 2/3, तो देखो आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर है ये 4 है और ये 3 है, 4 और 3 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 4 और 3 कितना हो गया 12, एलसीएम ऑफ 4 और 3 = 12, तो आप मान लो कि टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना है, यही जो आता है वो क्या है टोटल इनकम, तो आप खुद सोचो पहला ये जो 1/4 कहाँ खर्चा कर रहा है फूड पे, यानी 1/4 किसका इनकम का, डैट मीन्स कितना 3 रुपया खर्चा है, 12 अगर 12 यूनिट खर्चा है तो 3 यूनिट यहाँ खर्च कर दिया फूड पे। सेकेंड कर रहा है 2/3 ऑफ द हाउस रेंट, 2/3 ऑफ हाउस रेंट किसका इनकम का ही खर्चा करेगा 4, यानी 8 यूनिट कहाँ खर्चा कर दिया हाउस रेंट पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सोचो 12 यूनिट टोटल था, 11 यूनिट खर्चा कर चुका ना, 8 * 3 = 11, तो लेफ्ट बचा कितना, लेफ्ट 1 यूनिट बचा,
क्योंकि टोटल 12 यूनिट था, ये खर्चा कर दिया 11 यूनिट, तो एक यूनिट बचा। और एक यूनिट जो लेफ्ट बचा है उसके पास, जो लेफ्ट इनकम रिमेनिंग रह गई वो कितना है, 630, जिसको वो अदर जगह खर्चा करता, ठीक है, खर्च करता है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 630। तो आप खुद सोचो, जो हाउस रेंट है, हाउस रेंट पे कितना खर्चा कर रहा है, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 630 इंटू 8। फिर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, जीरो तो होगा ही लास्ट में, 8 इंटू 3 कितना हो गया, यूनिट डिजिट 24 होगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। तो 40 लास्ट का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। बाकी चेक करने, नो नीड टू चेक, 90 है नहीं हो सकता, 58 है नहीं हो सकता, 20 है नहीं हो सकता, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और इसी आपको सिखा रहा हूँ कि यूनिट डिजिट का कब यूज करते हैं, टू डिजिट का कब यूज करेंगे। क्वेश्चन तो बनाने के लिए सारे लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीखना है हर एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ दिया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 क्या होगा। तो देखो, इसमें कुछ था ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको सबसे डायरेक्टली एलसीएम निकालने आना चाहिए। अब एलसीएम देखो, आपको पता है ना, सबसे बड़ा एलसीएम निकालने का एक फैक्ट मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, आप एलसीएम क्या, 2, 4, 7, 14, 28 का एलसीएम निकालोगे, 2, 4, 7, 14, 28 का, मैं बताने के लिए टाइम लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले एलसीएम का रूल क्या होता है, कि सबसे बड़ा नंबर जो है उसको लो, वो सारे से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड, 7 से भी, 14 से भी, 28, तो यही क्या बन जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया, 28। तो अब 28 है तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, इसके बटा में 1 था, तो ये क्या होगा, 28। दूसरा 2 × 7 = 2 = 14 हो गया, ये कितना हो, 4 × 7 = 28, 7 × 4 = 28, 14 × 2 = 28 और 1। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, 2 × 1 = 3, 4 × 7 = 7, 7 × 7 = 14, 14 × 14 = 28, 28 × 28 = 56, 56 × 28 डेट मीन्स क्या, 2, क्योंकि 28 × 2 क्या होता है, 56। बस, तो आप आंसर क्या हो गया, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, आपको देख के लगा होगा कि कोई सीरीज फॉलो हो रही है, आप डायरेक्टली भी कर सकते, क्योंकि ये सीरीज इंड हो चुकी थी यहीं तक, तो आप नॉर्मली, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब नॉर्मल क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जो लोग 70 डेज कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको सारा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने सारे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट वाइज पूरे चीज़ बताया हूँ। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ना आए। देखो सबसे पहले क्या, अगर 264 पे पाओ नहीं, तो ये ओरली क्वेश्चन था, मेरे को देख के लग रहा है कि 0 आंसर होगा। अब कैसे होगा वो भी आप सीख, जब मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ जाओगे। हमें देखो मतलब होता है सिर्फ क्या, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट क्या है, 4, और इधर भी 4 है, तो 4 पे पावर क्या है, 102, और इधर क्या हो गया, 4 पे पावर 103। मैंने आपको, जो लोग पढ़े होंगे 70 डेज कोर्स में, उनको मैंने दो चीज़ें बताई थी, क्या, साइक्लिसिटी ऑफ 4 बताया था मैंने। क्या बोला था कि अगर कहीं भी यूनिट डिजिट में 4 आए तो साइक्लिसिटी उसकी क्या, अगर 4 पे पावर, देखो ध्यान से, 4 पे पावर अगर 4 पे पावर अगर या ऑड आए, उसके पावर की बात कर रहा हूँ, ऑड आए तो वो नो चेंज, यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाता है, 4। अगर 4 पे पावर इवेन आए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6, यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। फिर इसके साथ साथ मैंने 9 की साइक्लिसिटी बताया था, 9 के पावर, मान लो पावर, अगर 9 का पावर अगर ऑड आता है तो क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट वहीं सेम रहता है, और 9 का पावर इवेन आ जाए तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 यूनिट होता है। और ये रटने के लिए भी नहीं बताया था, देखो ध्यान से कैसे रटना है, 4 पे पावर ऑड आ जाए तो सबसे ऑड, पहला सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 1, तो 4 पे पावर 1 कर लो, क्या हो गया, 4। 4 पे पावर इवेन, दुनिया का कोई भी, इवेन का, ऑड का मतलब विषम संख्या, इवेन का मतलब सम संख्या, ठीक है। 4 पे पावर इवेन, इवेन का मतलब सबसे छोटा इवेन रख के चेक कर लो, कभी रटने की जरूरत, 4 × 16 यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से देखो, 9 पे पावर ऑड,
ऑड के केस में ऑड सबसे छोटा क्या है, वन, तो क्या हो जाएगा नाइन, वही यूनिट डिजिट रह जाएगा। अगर नाइन पे पावर इवन तो सबसे छोटा इवन नंबर रख लो, कितना हो गया 81 होगा, 81 का यूनिट डिजिट क्या है वन, तो वन। तो या तो आप इसको याद रख सकते हो या तो आपको ये तरीका, मैंने दोनों तरीका समझाया था। तो देखो ध्यान से, फोर पे पावर क्या है इवन नंबर है, फोर पे पावर इवन नंबर है, यूनिट डिजिट क्या हो गया छः। फोर पे पावर क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर पे नो चेंज, यूनिट डिजिट वही हो जाता है। छः चार क्या हो गया दस, दस का यूनिट डिजिट क्या है जीरो, जिसको इकाई का अंक बोलेंगे। लो मैं क्या करता, अगर जो लोग 70 डेज कोर्स में पढ़े थे उनको पता है, देखो फोर पे पावर इवन है डैट मीन्स क्या है सिक्स, फोर पे पावर ऑड है चेंज ही नहीं होता डैट मीन्स क्या छः चार दस, यूनिट डिजिट क्या हो गया जीरो, सिर्फ ये करते। तो 70 डेज कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इफ सम ऑफ थ्री कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147 देन फाइंड द मिडिल नंबर इज। देखो इसका पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं, वो चीज समझिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सम, जिसका सम बहुत सारे नंबर, जितना भी, जैसे तीन नंबर का सम है, सम कितना दिया है 147, कितने नंबर का है तीन नंबर है, तीन नंबर है ना थ्री कंजुकेटिव, तो जितना नंबर का है उससे डिवाइड कर दो, मिडिल नंबर आ जाता है उससे डिवाइड कर, जैसे 147 में अगर थ्री से डिवाइड करोगे, जो अगर यहाँ पे फोर कंजुकेटिव रहता है फोर से डिवाइड करते, फाइव रहता है फाइव से डिवाइड करते, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, थ्री कंजुकेटिव नंबर होना चाहिए। कंजुकेटिव का मतलब क्या, लगातार नंबर होना चाहिए, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल नंबर फाइंड आउट आसानी से हो जाता है, मिडिल नंबर क्या, उनका सम कितना दिया 147, कितने नंबर हैं थ्री कंजुकेटिव नंबर है तो थ्री से डिवाइड कर दो। कंजुकेटिव मतलब होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो थ्री से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया, तीन चौके बारह, तीन नवा सत्ताईस, जो डिवाइड करने पे आता है वो मिडिल नंबर आता है। तो मिडिल नंबर कितना आ गया 49। आपसे बोल देता कि इसका नेक्स्ट नंबर, क्योंकि क्या है थ्री कंजुकेटिव ऑड नेचुरल नंबर, नेक्स्ट ऑड, ऑड का मतलब क्या है 51 होगा, क्योंकि 49 ऑड नंबर है, 50 इवन हो जाएगा, तो नेक्स्ट इसका 51। अगर इससे बोल देता है कि पीछे क्या होता, तो पीछे क्या हो जाता 47 ऑड नंबर, तो ये तीन क्या हो गए ऑड नंबर हो गए। अगर नेक्स्ट इसके पूछ देता नेक्स्ट क्या होगा 53, इससे नेक्स्ट पूछ देता क्या होता 45, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर कौन सा हो जाएगा ये 49। ये अप्रोच बहुत ही अच्छा है, आपको मैं फिर से दूसरे एक क्वेश्चन भी देके समझा देता हूं। जैसे देखिए फोर अगर यही रहेगा, फोर कंजुकेटिव इवन नंबर मैंने बोल दिया, इवन नंबर, फोर कंजुकेटिव इवन नंबर का सम दिया हुआ है, मतलब उनका सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, रुक जाइए मैं चेक कर लूं, 1248, ठीक है, सम दिया हुआ 1248। तो आप क्या करोगे, मिडिल नंबर फाइंड आउट कर लोगे डायरेक्टली, मिडिल नंबर क्या हो जाएगा 1248 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा चार तियां बारह, चार एक चार दो नहीं, मैंने बोला तो आपका मिडिल नंबर कितना हो गया 312। आपसे बोल देगा कि ये चारों कंजुकेटिव इवन नंबर बताओ, तो बताओ इसके, ये मिडिल नंबर है ना, मिडिल नंबर के बाद नेक्स्ट क्या होगा 314, क्योंकि इवन नंबर की बात करें, सम संख्या की बात, ठीक है, इसके एक बैक क्या होगा 310, ठीक है, तीन हो गया, इसके एक बैक और जा सकते थे, समझ में आ गया, इसके बैक एक और जा सकते थे क्या 316, यानी कि आप ऑप्शन में देख के आसानी से कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ। नहीं तो अगर जिसको ये क्लियर नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ, तो बेसिक वे जाए, बेसिक वे से, बेसिक वे में भी दो तरीका है। देखो बेसिक वे में क्या है, देखो दोनों तरीका बताता हूँ, बेसिक में भी आप लोग, कुछ लोग थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग क्या है एकदम बेसिक यूज करने लगते हैं जिससे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। देखो बेसिक वे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कह रहा है कि थ्री कंजुकेटिव इवन नंबर है ना, थ्री कंजुकेटिव इवन नंबर,
तो जब लगातार तीन ऑड नंबर है तो कुछ लोग क्या करते हैं, मानते हैं x, दूसरा ऑड नंबर x प्लस टू, तीसरा ऑड नंबर x प्लस फोर। ठीक है, क्योंकि क्या है ऑड नंबर, अब ये मत सोच लेना x प्लस टू, क्योंकि अगर मैं सपोज वन वन के बाद अगर मैं x की वैल्यू वन रखूं तो ये थ्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाइव, तो वन थ्री फाइव क्या है कंजुगेटिव इवन ऑड नंबर है, तो ये मानते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि तीन नंबर भी मानना है ना, तो मिडिल नंबर को x मानो, उससे पहले वाले को x माइनस टू और उसके बाद को x प्लस टू, ये थ्री कंजुगेटिव ऑड नंबर मानने का तरीका है। और यही इवन मानने का भी तरीका सेम ही है, तीन नंबर मानना है। अगर आपसे पांच नंबर मानना होता, फाइव कंजुगेटिव इवन नंबर या ऑड नंबर दोनों मानना होता, आप क्या मानते, पहले x उसके बाद x प्लस टू, इधर क्या x माइनस टू, उसके बाद क्या x प्लस x माइनस फोर, और इधर एक और बढ़ा देते x प्लस फोर, पाँच आ गया। देखो ये मिडिल है उसके, इसका क्या बेनिफिट है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो जैसे तीनों का सम, नॉर्मल बेसिक लोग ये करते हैं, तीनों का सम कितना है 147, तो ऐसे करेंगे इनको जोड़ेंगे। चलो मैं यहाँ पे जोड़ के दिखा देता हूँ, ये तीन नंबर मान लिए x प्लस टू प्लस x प्लस फोर कितना है 147, तो क्या हो गया एक्स एक्स दो एक्स एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स इजिक्वल टू 147, ये चार दो छः इधर आके सिक्स हो जाएगा, तो थ्री एक्स इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो थ्री एक्स इजिक्वल टू कितना हो गया 141, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 141 अपॉन 3, यानी 3 चौके 12, 3 सात 21, यानी ये वाला नंबर कितना हो गया 47, ये वाला नंबर कितना हो जाएगा 49, और ये वाला नंबर कितना हो जाएगा 51। तो आपसे पूछा जा रहा है मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर कौन होगा, ये वाला 49 आंसर। लेकिन ये अप्रोच भी थोड़ा बेसिक से में भी ये अप्रोच नहीं अच्छा है। आप देखो क्या करो, कंजुगेटिव इवन ऑड नंबर या इवन नंबर बात कहे ये मानेंगे, थ्री नंबर पांच नंबर कहे तो ये मानोगे, ठीक है ऐसे मानना है। अब देखो ध्यान से, कंजुगेटिव इवन नंबर कर रहा है तो देखो ध्यान से, तीनों का सम करूंगा, तीनों का सम कितना दिया हुआ इतना, तीनों का जब सम करूंगा तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, अगर मैं प्लस करूँ तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो कैंसिल हो गया तो आपको क्या हो गया, सिर्फ 3x इक्वल टू 147 आ गया, x इक्वल टू कितना हो गया तीन चौके 12, तीन नौ 27, एक्स की वैल्यू आ गई। तीन नंबर हमारा मानना क्या था, x माइनस टू एक्स और x प्लस टू, एक्स कितना आ गया 49, दूसरा नंबर x प्लस टू 49 प्लस टू 51, और ये कितना हो जाएगा 49 माइनस टू 47। आपसे बोला ही जा रहा है मिडिल नंबर, मिडिल नंबर क्या है 49, बीच वाला नंबर। तो ये तरीका आप मानने का भी ये तरीका यूज कर सकते हो, ये तो एकदम बेसिक है, यहाँ से तो जाओ ही मत। अगर करना है तो एक स्टेप्स ये कर सकते थे, नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट वही जो मैंने आपको बताया था, क्या कि थ्री कंजुगेटिव कहे ऑड ऑड नेचुरल नंबर कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 137 अपॉन थ्री कर लो, इससे क्या निकल गया मिडिल नंबर। अगर मिडिल नंबर इतना है तो नेक्स्ट इसके नंबर क्या हो जाएगा, ये मिडिल नंबर होगा। अगर बोलता कि इसके नेक्स्ट वाला क्या होता, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 51, इसके नेक्स्ट बैक कहता एक पीछे इसके क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 47, लेकिन हमसे मिडिल नंबर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से था, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में से एक है। इसको 90% लोग ना एक्स वगैरह मान के बनाते हैं, आप टोटली रॉन्ग वे जा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, बाय ऑप्शन चेक कर लिया करो। पहले मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। कह रहा है इफ़ वी राइट 45 एज ए सम ऑफ फोर नंबर, कह रहा है कि चार नंबर को सम करोगे तो जैसे मान लो नंबर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 का सम क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन 2 इज एडेड द फर्स्ट नंबर, 2 क्या करो ऐड करो फर्स्ट नंबर में, ठीक है। आगे कह रहा है टू सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है n2, इसमें क्या करो दो सबस्ट्रैक्ट करो, थर्ड नंबर में थर्ड नंबर मल्टीप्लाई विथ टी, थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करो तीन से, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर डिवाइडेड बाय टू, तो फोर्थ नंबर को डिवाइड करो दो से, और जब फाइनली इनका, ठीक है आगे कर रहा है वी गेट द सेम रिजल्ट, यानी कि फिर भी इनको अगर ऐड करोगे तो सेम रिजल्ट का मतलब क्या है 45 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को
सबसे पहले हमें ऑप्शन उठाना चाहिए, ऑप्शन से चेक करना चाहिए। देखो ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, ध्यान से। अब मैं पहले ऑप्शन ऑप्शन ए ले रहा हूं, जहां पे सही आ गया वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ले रहा हूं, यही चारों नंबर होंगे, तो सबसे पहले चेक कर लो कि सभी का सम कितना है। 45 है, 8 एक 9, 21 9 30, 30 10 40 5 45 एस है, ये वैलिड है। तो अब 1 8 15 21 हमारा नंबर है। पहले नंबर में दो जोड़ो, दो जोड़ोगे इसमें, दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3। दूसरे नंबर में से माइनस दो करना है, 8 में से माइनस दो हो गया 6। तीसरे नंबर 15 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 का, 45 हो गया। चौथे ये जो नंबर है इसमें डिवाइड करना है 2 से, तो 21/2 हो गया। और इनका सम जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, 45। क्या कभी 45 आएगा, देखो 45 तो यहीं आ गया, समझ में आ गया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा 9 जोड़ोगे, 45 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 54 हो गया। 54 में कुछ जोड़ोगे, कभी 45 आ सकता है, नहीं आ सकता, इस काट दो। अब दूसरा नंबर अब से चेक करते हैं, क्या सभी नंबर का सम क्या है, 45 है, 8 7 15 15 10 35 35 सॉरी 15 10 25 25 और 20 45 एस है, ये भी ले सकते हैं। 8 7 10 और 20। अब देखो 8 में दो जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 10। इसमें दो माइनस करना है इस नंबर से, दो माइनस करूंगा तो कितना हो गया, 5। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, डेट मीन्स कितना हो गया, 30। इसमें क्या करना है, फोर्थ नंबर में दो से डिवाइड करना है, दो से डिवाइड करूंगा, 20 को दो से डिवाइड करूंगा, क्या हो जाएगा, 10। अब इनको सभी को जोड़ोगे तो भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, 45। जोड़ लो, 30 10 40 40 10 50 और 5 सॉरी 30 10 4। एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं ना, ओ सॉरी सॉरी, देखो क्वेश्चन यहां पे करा है, दो ही सब से थर्ड मल्टीप्लाई विथ टू, यहां पे दो से मल्टीप्लाई है, सॉरी यहां दो से मल्टीप्लाई है, यहां पे 30 होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा। पहला ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, ये हो सकता है, मे भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे क्या था, थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किससे करना है, दो से, थर्ड मल्टीप्लाई विद दो। अब देखिए ध्यान से, अगर 30 हो गया, ये 30 हो गया, 30 और 9 कितना हो गया, 39 + 21/2। ये तो कटेगा नहीं, करेगा कभी 45 आएगा, नहीं आ सकता, चलो वैसे भी नहीं आ रहा था ये, लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें सब कुछ ठीक था, देखो सब कुछ ठीक है। यहाँ ये तो नंबर हमने उठाया ऑप्शन से, ऑप्शन बी उठाया, ऑप्शन बी उठाने के बाद देखो 8 7 8 में दो जोड़ना है 10, 7 में दो कम करना है 5, 10 में दो से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड नंबर में दो से मल्टीप्लाई 20, फोर्थ नंबर को दो से डिवाइड करना है 10, और इनका सम भी क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो 10 20 10 30 10 40 5 45, डेट मीन्स ये आंसर हो गया। जैसे ही ये आपका आंसर हो गया, नो नीड टू चेक सी एंड डी, अगर नहीं आता तो हम चेक करते। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेटर ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन मेथड। और ये मैं आपको दिखाने के लिए किया हूं, नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते थे। देखो कैसे डायरेक्ट करोगे, ध्यान से, आपको पता है पहले नंबर में क्या, देखो मैं पहला ऑप्शन उठा लेता हूं, 1 8 15 21, आपको पहला में दो जोड़ना है 3, दूसरे में दो घटाना है 6, तीसरे में दो से मल्टीप्लाई करना है 30, चौथे में दो से डिवाइड करना है, इनका सम कर लो क्या, 30 9 39 + 21/2 आना चाहिए क्या, 45 है, नहीं है। दूसरा चेक कर लो, सभी का सम क्या होना चाहिए, 45 45 है ऑलरेडी, क्योंकि देखो 20 10 30 30 10 40 5 45। अब इसको ले लो, 8 7 10 20, पहले नंबर में दो ऐड करना है तो 10, दूसरे नंबर में दो घटाना है तो कितना हो गया, 5, तीसरे नंबर में दो मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया, 20, चौथे नंबर में दो से डिवाइड करना है 10, इनका सम भी क्या आना चाहिए, 45 क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो 20 10 30 10 40 5 45, बस दो लाइन में यहीं पे आ गया आंसर। तो आगे नो नीड टू चेक सी एंड ऑप्शन सी एंड डी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 40, दो नंबर का सम कितना है 40, एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, दो संख्याओं का योग कितना है 40, उनका गुणनफल कितना है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी पूछा जा रहा है कि उस नंबर का उल्टा का योग
तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी पूछा है, बस एलसीएम ले लो, ए बी हो गया, ये क्या हो जाएगा बी प्लस ए। अब देखो बी प्लस ए कितना है 40, ए बी कितना है 375, कटाना भी है तो 5 से काट लो, 5 वटे 40, 5 सते 35, 50 25, 8 बाई 75 ऑप्शन। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन सीएचएसएल में बहुत बार पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में 2017 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी ये सीरीज कंटिन्यू चले फॉर अपकमिंग मोर वीडियो के लिए, आपको आज का टारगेट क्या है 500 लाइक। देखो कल का टारगेट अचीव हो गया था, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आज भी आप सपोर्ट करें ताकि हम क्या करें इस जो अचीव है उसको कर सकें, अचीव कर सकें। तो आज का भी टारगेट क्या है 500 लाइक, और जेन्युइन हेल्प मिल रहा है तो यार लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है कंडीशन था कि आप शेयर करो यार अपने फ्रेंड से, कि उनको भी बताओ कि आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर सीरीज ही नहीं, आप प्रीवियस ईयर सीरीज तो बुक से भी पढ़ लोगे, यहाँ पे हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए मैं ऑप्शन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे यूनिट डिजिट को यूज किया जाता है, कैसे शॉर्ट वे से सोचा जाता है, कैसे बेसिक चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। जो लोग ज्वाइन टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक मैं दो जगह प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में, आपको सबसे ऊपर मिल जाएंगे लिंक, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि क्या है यूट्यूब पे समटाइम्स आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप वीडियो आएगी नहीं आएगी आप डाउट में रहोगे, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, मिलते हैं हम नेक्स्ट, कल नेक्स्ट करेंगे 10 क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको परसेंटेज की भी वीडियो आएगी पार्ट टू, तो आपको दो वीडियो डेली, आपको डेली दो वीडियो मिलेगी मॉर्निंग के टाइम, आपको एक नंबर सीरीज चल, नंबर सिस्टम चल रहा है, और दूसरा अर्थमेटिक चल रहा है परसेंटेज, तो दोनों की वीडियो मिले। परसेंटेज आज 20 वीडियो कर 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि उसमें आज इजी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।